Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about quantum numbers. So quantum numbers क्या होते हैं? Quantum numbers क्या होते हैं? कोई भी electron है, electron कौन सी shell में present है, कौन सी sub shell में present है, कितनी energy पे present है, मतलब जिस sub shell में electron present है उसकी energy कितनी होगी, उस sub shell की radius कितनी होगी, कितनी velocity होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, स्पिन क्या होगी, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, क्वांटम नंबर। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं क्वांटम नंबर क्या, आप एक्सप्लेन करते हैं एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। सो क्वांटम नंबर चार हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। सेकेंड इज एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर दैट इज एल। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एम और सबस्क्रिप्ट में एल से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर एम के सबस्क्रिप्ट में एस। तो इस तरह से चार तरह के हमारे पास में क्वांटम नंबर हैं। जो फर्स्ट थ्री क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें तीन क्वांटम नंबर्स मिले थे, प्रिंसिपल, एजीमिथल और मैग्नेटिक। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था, इसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन। क्या बताता है ये, गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल। गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेल की, रिगार्डिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। जैसे हम पढ़ते थे कि शेल एम एन शेल एन सेल एन शेल, ये इस तरह की जो शेल्स हैं इसके अंदर किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी के बारे में कैसे बताता है, हमने बोहर मॉडल पढ़ा था, उसमें एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो यहाँ पे जो n था वो n क्या था, कौन सी शेल में प्रेजेंट है, सो एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट इज रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रेडियस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 0.529 n स्क्वायर बाई z, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। और रेडियस यहाँ पे आई थी पिकोमीटर में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमने पढ़ी थी, दैट इज 2.18 इनटू 10 रेज टू पावर 8 जेड बाय एन, दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, शेल, और कौन उसमें एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, किस रेडियाई की शेल होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, ये किस में, ये सब इंफॉर्मेशन कौन देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, दैट इज एन। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं कि जो एजीमिथल क्वांटम नंबर है, दैट इज एल। सेकेंड इज एजीमिथल क्वांटम नंबर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल की जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है, एन माइनस वन से जीरो तक होती है, ठीक है। जैसे n की वैल्यू है अगर हमारे पास 2, तो l की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 1, मतलब 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। n की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी l के। क्लियर। अब कुछ ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अगर s ऑर्बिटल है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू होती है 1, d 2, f के लिए 3, g के लिए 4, इस तरह से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो जो एल की वैल्यू है वो डिफाइन है पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल। सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि एन की वैल्यू 2 है तो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 0।
एल की वैल्यू 1 मतलब पी और मेटल हो गया, एल की वैल्यू 0 मतलब एस हो गया यहाँ से। तो ये जो पी और एस है दीज आर द सबशेल्स, क्लियर। सेम ऐसे ही एन इज इक्वल टू 3 है, सो एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2, ठीक है। तो 0 के अकॉर्डिंग हो गया एस, इसके अकॉर्डिंग हो गया पी, और 2 के अकॉर्डिंग हो गया डी। सो एस पी डी दीज आर द सबशेल्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि अगर क्वेश्चन ही ऐसा दिया जाए कि 3p के अंदर n और l दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो n की वैल्यू हो गई 3, p के अकॉर्डिंग l की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे हमें सारे केस कंसिडर नहीं करने, जैसे हमने n की n इज इक्वल टू 3 के लिए l की 3 वैल्यूज ली थी 0, 1, 2, लेकिन अगर हमें ऑर्बिटल ही स्पेसिफाई कर दिया जाए, स्पेशल ऑर्बिटल के लिए ही पूछा जाए, तो जो ये होगा पी एस डी इसी के अकॉर्डिंग हम एल की वैल्यू को असाइन करेंगे, क्लियर। सो इस तरह से एल की वैल्यू हो गई 1, 4, 3p, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, या फिर एम के सबस्क्रिप्ट में हो गया एल। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टर्म को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो m की वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। सो m की वैल्यू माइनस l से 0, 0 से प्लस l तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर l की वैल्यू है 1, तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1, 0 और 1। l की वैल्यू है 2, सो m की वैल्यू होगी माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। l की वैल्यू है 3, सो m की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3। L की वैल्यू है 0, तो M की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दिस इज फॉर p ऑर्बिटल, दिस इज फॉर d ऑर्बिटल्स, दिस इज फॉर f एंड दिस इज फॉर s, क्लियर। सो ये होगी M की वैल्यूज। नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो क्या था, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। देखो एल की वैल्यू 1 है, तो पी की 3 वैल्यूज आई, तो यहाँ से जो 0 वैल्यू है दिस इज गिवन फॉर पी से, और पी एक्स और पी वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 1 में से, ठीक है। सिमिलरली दिस इज फॉर डी जेड स्क्वायर, क्लियर, और दिस इज ऑटोमेटिकली फॉर एस। सो 0 वैल्यू है, दिस इज डिफाइंड फॉर डी जेड स्क्वायर, बाकी जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, डी के कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स जेड, तो इनके लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1, लेकिन डी जेड स्क्वायर के लिए 0 यूज करेंगे, क्योंकि जो भी हम केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं वो कौन सी एक्सिस लेते हैं, जेड एक्सिस। सो उसके अकॉर्डिंग हमने अज्यूम किया हुआ है कि 0 स्टैंडर्ड वैल्यूज उसी के लिए होंगी मॉलिक्यूलर एक्सिस के लिए। सो सेम ऐसे ही इंपॉर्टेंट है कि पी जेड के लिए 0 होगा, पी एक्स और पी वाई के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। सेम ऐसे ही डी जेड स्क्वायर के लिए 0 वैल्यू होगी एल की और एम की, और बाकी प्लस 2, माइनस 2, प्लस 1, माइनस 1, ये डी के बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उनमें से किसी के लिए भी यूज हो सकती है। नाउ ऑरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें क्या होगा, ऑर्बिटल ये जो जितने भी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी और एफ है, इनकी शेप को डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट इनकी शेप को डिस्कस करते हैं, देन फिर ऑरिएंटेशन वर्ड का मतलब समझते हैं। ऑरिएंटेशन का नॉर्मली रफली आप मीनिंग समझ सकते हो डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है, इन बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है, अबाउ द एक्सिस है, बिलो द एक्सिस है, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एस ऑर्बिटल, सो जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, सो s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। तो s ऑर्बिटल की शेप क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे देखो ये हमने ओरिजिन को, दिस इज द ओरिजिन, और यहाँ से हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है। नाउ स्फीयर तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
इस तरह का, क्लियर। अब इसका सेंटर क्या होगा, ये। बट दिस इज नॉट द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप के लिए हमने वर्ड यूज किया है सिमेट्रिकल, मतलब ऑरिजिन से सिमेट्रिकल होना चाहिए, यहाँ से ये जो रेडियाई है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे उसका जो सेंटर है वो क्या होना चाहिए, ऑरिजिन होना चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग जो शेप है एस ऑर्बिटल की वो क्या होगी, दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। तो शेप क्या होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप। एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, एल की जीरो था और एम की वैल्यू भी जीरो है, इसलिए यहाँ पे एस ऑर्बिटल एक ही तरह के होंगे इस तरह से। जैसे एल इज इक्वल टू वन, मतलब पी ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू कितनी है, थ्री है, माइनस वन, जीरो और प्लस वन। तो पी ऑर्बिटल्स को तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट ऑरिएंटेशन पे शेप होगी। देखते हैं p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स के लिए l कितना होता है 1, सो m की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, जीरो और 1। दिस इज फॉर p सेट। अगर हम शेप ड्रॉ करें सो तीन तरह के हो गए, 1, 2 एंड 3। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से आए, सो दिस वन विल बी द शेप फॉर प्लस माइनस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर डंबल है सो दिस इज पी एक्स, अगर यहीं पे हम एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम ये डंबल ड्रॉ करें सो दिस विल बी पी वाई, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। नाउ पी जेड, अगर हम z एक्सिस के अलोंग, देखो हमने यहाँ पे क्या की है, एक्सिस चेंज कर दी है, दिस इज z एक्सिस के अलोंग अगर डंबल आता है सो दिस इज फॉर पी जेड, ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो इस तरह से हमने क्या देखा है कि पी एक्स है वो किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, पी वाई है वो z वाई एक्सिस के अलोंग, पी जेड है वो z एक्सिस के अलोंग, और शेप क्या होगी, शेप होगी डंबल शेप। ठीक है, इसीलिए जो m की वैल्यूज है वो 3 आती है। तो ऑरिएंटेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी कि इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग है, px में, py में y के अलोंग है, pz में z एक्सिस के अलोंग है, क्लियर। नाउ मूविंग टू d ऑर्बिटल, नाउ मूविंग टू d ऑर्बिटल्स, सो d ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी, d ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, m की वैल्यू कितनी होती है -2, माइनस वन, जीरो, वन और टू, ये क्या हो गया डी जेड स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास पास में पांच ऑर्बिटल बनेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, डी एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो लोब्स हैं वो कहाँ होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होंगी, दीज आर द लोब्स, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज डी एक्स वाई। डी वाई जेड, सो वहां डी वाई जेड कहाँ होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगी लोब्स, सो दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द शेप फॉर डी वाई जेड, क्लियर। सिमिलरली डी एक्स जेड, सो डी एक्स जेड क्या होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगी लोब्स प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ नेक्स्ट वन इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होगा, सो ये क्या होगा, ऑन द एक्सिस, सो दिस विल बी द शेप फॉर दिस वन, प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, सो डी जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होंगे इस तरह से लोग प्लस प्लस, और यहाँ पे इस तरह से एक रिंग टाइप होगी जो एक्स वाई प्लेन में होगी और वो होगी नेगेटिव, ठीक है। जो एक्स वाई प्लेन में क्या है, रिंग है,
और लोब्स कहाँ पे हैं? ऑन जेड एक्सिस। दिस इज द केस फॉर डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो कैसे बने हैं? डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, जैसे एक्स वाई था, डी एक्स वाई था, वाई जेड था, डी एक्स जेड था, सेम ऐसे ही डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर भी होना चाहिए था, तो वाई स्क्वायर और जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करके ही डी जेड स्क्वायर फॉर्म हुआ है, क्योंकि वैल्यूज एम की कितनी रहनी है, एम की वैल्यू सिर्फ फाइव रहनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या शेप होगी सबकी? इसकी शेप है डोनट शेप, डी जेड स्क्वायर। और बाकी जो फोर ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन सब की शेप होगी डबल डंबल शेप। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हमें एन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर सबशेल कैलकुलेट करनी है, तो उसको हम डायरेक्टली किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ शेल, शेल क्या होता है? एन। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे? एन स्क्वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, सो वो क्या होंगे? टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। सबशेल क्या होती है? एल। दिस इज एल, सो दिस इज इक्वल टू टू एल प्लस वन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबशेल विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ टू एल प्लस वन। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे अगर ये बोला गया है कि पी सबशेल है, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो पी सबशेल के लिए ऑर्बिटल एल कितना है? वन। सो ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू टू एल प्लस वन, दैट इज टू इंटू वन प्लस वन, थ्री। और थ्री ऑर्बिटल ही होते हैं पी के लिए, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो ऑर्बिटल्स का डबल, मतलब टू इंटू टू एल प्लस वन, सो टू इंटू थ्री मतलब कितना हो गया? सिक्स। सो दिस, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल। सो पी के तीन बॉक्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और पॉली का प्रिंसिपल क्या बोलता है? हर बॉक्स के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन, तो टू फोर सिक्स। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन है, अगर डी सबशेल है तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी? टू। सो डी सबशेल के लिए ऑर्बिटल्स कितने आएंगे? सो टू एल प्लस वन, सो टू एल कितना है? टू प्लस वन, तो कितना हो गया? फाइव। और फाइव ही थे कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टू इंटू फाइव, दैट इज टेन। जो फाइव बॉक्स हैं, वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे हर बॉक्स में कितने आएंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। क्लियर? सो इस तरह से क्या है कि अगर सबशेल दे रखी है तो उसमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि n इज इक्वल टू 5 है और उसमें हमें ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने हैं। सो ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 5 है तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 4, 3, 2, 1 और 0। एस के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं? वन। वन एल इज इक्वल टू वन, थ्री हो गया, ये कितना हो गया? फाइव, सेवन और नाइन, ये कितना है? एस पी डी एफ जी। क्लियर? सो यहाँ से जब इनको टोटल करेंगे, नाइन प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा?
21। क्लियर। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये अगर कोई भी ऑर्बिटल दे रखा है तो उस कोई भी शेल दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। अगर इसी में इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो कितना होगा, 2 × 25, दैट इज 50। क्लियर। लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से या फिर एम इंटू एम के सबस्क्रिप्ट में एस। सो क्या लिख सकते हैं हम, वन इज प्लस हाफ, सेकेंड वन इज माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर है दैट वॉज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्वांटम नंबर बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर। नाउ कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में हम क्या देख सकते हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा बोला हुआ है कि कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑप्शन है 1p, 2d, 3f, 4s, 5p। इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे और कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। सो फर्स्ट क्या देखेंगे कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, और l की वैल्यू कितनी है, 1। तो n और l की कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि n इज इक्वल टू 4 है तो l की क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 3, 2, 1 और 0। सो n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, l इज इक्वल टू 1, सो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो भी हमने अभी रूल्स बताए हैं कि n की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, m क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये सब जितना भी बताया है इन सब के बेसिस के ऊपर हमें चेक करना है कि ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि कोई भी एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, जैसे इस तरह का है, पी का है, तो दिस इज वन ऑर्बिटल, इस एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। क्लियर। दोनों सेम स्पिन के ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल्स में नहीं हो सकते। सो दिस इज द फर्स्ट रूल कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल्स के अंदर विद ऑपोजिट स्पिन, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड इज नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम 4 क्वांटम नंबर्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनके सभी के सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1s2, तो यहाँ पे n कितना हो गया, 1, l कितना हो गया इसके लिए, 0, m कितना हो गया, 0, और s कितना हो गया, 1s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तो एक हो गया प्लस हाफ। सो सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बाकी 3 चीज़ें तो सेम है, बाकी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यूज तो सेम है, लेकिन जो s क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पे क्या समझ में आया कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज नहीं हो सकते। दिस इज द केस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ नेक्स्ट रूल इज हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करेंगे। जैसे अगर हमें p2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो p के क्या है, 3 बॉक्स है, px, py, pz। एक ऑप्शन तो हम ऐसे फिल कर सकते हैं, दूसरा है हम ऐसे फिल करें। तो हुन रूल के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करना है, बाद में पेयरिंग करनी है। जैसे अगर p3 है तो इसको हम कैसे फिल करेंगे, पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे 1, 2 एंड 3। अगर p4 है तो उसमें क्या करेंगे, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, सो 1, 2, 3, फिर पेयरिंग करेंगे, सो दिस वन। ठीक है, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है
कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी ऑर्बिटल में, पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, बाद में पेयरिंग करेंगे। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हम बहुत बार बोलते हैं कि पी थ्री कॉन्फिगरेशन हाईली स्टेबल है, डी फाइव कॉन्सेंट्रेशन हाफ फिल कॉन्फिगरेशन इज हाईली स्टेबल। तो इसका क्या मतलब है, देखो पी थ्री को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है, दिस इज द पेयरिंग। डी फाइव को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी फॉर द केस ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो क्या करना है हमें, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ऑपोजिट स्पिन में जाएगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेंज हो सकती है, एक यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं प्लस, सेकंड के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, तो टोटल होगी 3 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली डी फाइव में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकता है, इस ऑर्बिटल में जा सकता है ऑपोजिट स्पिन करके, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे बन गई 4 पॉसिबिलिटी। यहाँ से कितना हुआ, 1 2 एंड 3 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से हो गई 3 पॉसिबिलिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड डी थ्री का जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर हम भेजें नेक्स्ट में, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो ये कितना हो गया 2, प्लस लास्ट वाले के पास कोई पॉसिबिलिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ से 1, सो ये कितना होगा 4 3 7 8 9 और 10, 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस तरह से ये क्या होता है, जो हाफ फिल्ड होती है उसमें जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ स्पिन जो इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है, इसी वजह से ये हाईली स्टेबल होते हैं। अगर हम देखते हैं, हमने पी थ्री का केस देखा है, हम केस देखते हैं पी फोर का, अगर केस देखे तो वहां पे क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ना ये इलेक्ट्रॉन है फुली फिल्ड में कभी भी मूव नहीं करेगा, हमेशा अपने से नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव करेगा, और उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ऑपोजिट स्पिन करके जाएगा ना। तो यहाँ से देखो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे एक में जा सकता है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 1। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आती है एक्सचेंज एनर्जी की, वो किस में आती है, वो आती है हाफ फिल्ड में, इसलिए हाफ फिल्ड क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। सो हुंस रूल के थ्रू हमें ये पता चला कि पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, और पी थ्री और डी फाइव ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें एक्सचेंज जो है स्पिन का एक्सचेंज करके करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज अबव प्रिंसिपल। सो अबव प्रिंसिपल में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल अकर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग करें। क्लियर। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एनर्जी किस तरह से इंक्रीज करेगी, किस तरह से डिक्रीज करेगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो इसके लिए होता है एन प्लस एल रूल। अपन ने इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी में, मतलब कम से हाई में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को, ठीक है। लेकिन हमें मालूम कैसे होगा कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से की ज्यादा, तो उसको हम चेक करेंगे एन प्लस एल रूल से। सो एन प्लस एल रूल में क्या होता है, एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी मोर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑर्बिटल में एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो। सो अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम है तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। इसको हम देख लेते हैं, देखो फिलिंग करनी है, हमारे पास ऑर्बिटल दे रखे हैं 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ठीक है। सबके लिए पहले n की वैल्यू लिखते हैं 1 2 2, ये जो फर्स्ट जो नंबर है दिस इज द वैल्यू ऑफ n, 3 4 एंड 4। l की वैल्यू लिखेंगे, s के लिए 0 0 1 0 1 2 0 1। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे n प्लस एल,
सो एन प्लस एल कितना हो गया, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव फोर एंड फाइव, क्लियर। तो अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसका एन प्लस एल सबसे कम है, तो मतलब सबसे कम किसका है, वन, तो मतलब वन एस की एनर्जी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। उसके बाद एनर्जी किसकी है, टू एस की। नाउ टू पी और थ्री एस के लिए एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो एन प्लस एल की वैल्यू सेम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब हमें क्या चेक करना है, एन चेक करना है। दिस इज द सेकेंड केस, अगर एन प्लस एल सेम है तो हमें क्या चेक करना है, एन चेक करना है। एन किसका ज्यादा है, एन यहाँ से 3s का ज्यादा है, 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी कम किसकी है, 2p की एनर्जी कम है, 3s की एनर्जी ज्यादा हो गई, क्लियर। नाउ यहाँ पे देखना है 4 का केस है 3p और 4s के अंदर, सेम ऐसे यहाँ पे भी चेक करना है, दोनों का n प्लस एल सेम है, तो पहले n प्लस एल सेम है तो हम क्या चेक करेंगे अब, कि जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो n किसका कम है, 3p की कम है, 4s की ज्यादा है। नाउ 5 के केस में भी हम देखेंगे एन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d और 4p, क्लियर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे पहले करेंगे 1s में, देन 2s, देन 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4sp, 3d, फिर 4p, क्लियर। इसी तरह से हम एनर्जी की, ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द अपर प्रिंसिपल।